हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग जो शेयर एनालिसिस करेंगे उसका नाम है ईकेसी, पूरा नाम है एवरेस्ट कैंटोस लिंडल लिमिटेड। ओके, तो ये शेयर का जो प्राइस चल रहा है आपका लगभग चल रहा है 147-146 के करीब। हाई गया था आज के दिन पे शेयर आपका 156.80 एंड लो गया था 144.85। फिनस्टर्न ने इस कंपनी को 4 out of 5 का रेटिंग दिया है जो कि बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो आपका है 1625.33 करोड़। पीई रेशियो आपका है 9.68 और कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है 111.20 करोड़। तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.30। किसी भी कंपनी का अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 और 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 1 से कम ही है। और कंपनी के पास अभी आपका कैश पड़ा हुआ है 64.18 करोड़। मतलब कंपनी के पास जो कैश है उससे कंपनी कभी भी चाहे तो इस जो डेप्थ है आपका 111 करोड़ का, इस डेप्थ का लगभग 50% का जो कर्जा है वो तो चुका सकता ही है। अर्निंग पर शेयर है आपका ₹14.96। सेल्स ग्रोथ हुआ है इस शेयर में आपका 53.33%। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका है 32.29% जो कि बहुत ही अच्छा है। ROCE आपका है 39.88% जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस शेयर में अभी हुआ है आपका 545.94% जो कि बहुत ही जबरदस्त है। मतलब फंडामेंटली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसीलिए फिनस्टर्न ने इसको 4 out of 5 का रेटिंग दिया है। लेकिन अभी हम लोगों को इसका टेक्निकल पार्ट भी देखना पड़ेगा। तो हर बार की तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले बिना इंडिकेटर लगाओ चार्ट एक बार देख लेंगे। तो अभी देखिए, ए शेयर आपका लगभग आपका मई का महीने में चल रहा था 98 और अभी चल रहा है 147। मतलब ऑलरेडी आपका 30% तो रिटर्न दे ही चुका है। ठीक है, तो और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर लगाओ चार्ट में जाएंगे। तो देखिए, आज मार्केट में पूरा मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट है तो इस शेयर में भी उसका हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। और ऐसे फंडामेंटली अच्छा शेयर अगर थोड़ा बहुत गिरता है तो हम लोगों के लिए किसी भी के लिए अगर कोई फेस एंट्री लेना चाहता है तो हम लोगों के लिए एक मौका होता है। तो देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका पर्पल कलर का लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, जिस जो लाइन ड्रॉ किया ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है और ये शेयर अभी सपोर्ट लाइन से बहुत ही दूर है। मतलब मेरे हिसाब से अभी ये शेयर पॉजिटिव पोजीशन पे ही है। और अगर मूविंग एवरेज का बात करें तो ये शेयर आज के डेट में आपका 100 डेज, 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर RSI की बात करें तो RSI अबव 60 है। और अगर MACD की बात करें तो देखिए, MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट में हम लोगों को उतना कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है। हाँ, आज का डेट में शेयर गिर रहा है, सुपर टेंडेंट भी यहाँ पे आपका सेल सिग्नल दिया। लेकिन आज पूरा मार्केट ही गिर रहा है तो हम लोगों को ये गिरावट जो लगता है कि फ्रेश एंट्री लेने के लिए पॉजिटिव सिग्नल लग रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, और भी अच्छी तरीके से इस शेयर का टेक्निकल समझने के लिए इसका वीकली चार्ट एक बार देख लेंगे। ओके, तो अभी क्या किया है मैंने, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे इसका वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया है। अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो ये शेयर आपका पिछले साल मार्च महीने में चल रहा था ओनली 12-13 रुपया चल रहा था, और अभी कितना चल रहा है 148। मतलब ये शेयर ऑलरेडी आपका डेढ़ साल के अंदर दे आपका लगभग 10 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है। ठीक है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये शेयर क्लियरली हम लोगों को पॉजिटिव भी दिखेगा। ठीक है, अभी हम लोग सीधा चले जाते हैं आपका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। तो देखिए, इस जगह पे अगर देखेंगे, एक मिनट में कर्सर लेकर आप लोगों को समझा देता हूँ। इस जगह पर अगर देखेंगे, ये आपका था सितंबर का महीना, यहाँ पे आपका सुपर टेन ने बाय सिग्नल दिया था, उसके बाद थोड़ा बहुत गिरावट आया। लेकिन इस शेयर ने कभी भी सुपर टेन का जो सपोर्ट लेवल इसको तोड़ नहीं पाया। उसके बाद इस जगह पर देखिए, इस कैंडल में आपका क्या किया, इसका जो स्ट्रॉन्ग आपका रेसिस्टेंट लेवल था उसको भी तोड़ दिया। अभी ये रेसिस्टेंट लेवल के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस वीक में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले वीक में एक बहुत ही आपका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ था जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ध्यान से, आपका सितंबर महीना में आपका 100 डेज एंड 200 डेज जो दोनों मूविंग एवरेज है, इस दोनों मूविंग एवरेज के बीच में एक क्रॉसओवर हुआ था। जब भी ऐसा क्रॉसओवर होता है शेयर आपका बहुत ऊपर तक जाता है, लेकिन यहाँ पे उतना तेजी देखने को अभी तक नहीं मिला। मतलब कि हम लोगों को आगे जाके यहाँ पे तेजी दिख सकता है।
अगर RSI का बात करें तो RSI भी आपका अबव 60 है, और MACD की बात करें तो MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब क्या, वीकली चार्ट में मुझे ये बहुत ही अच्छा पोजीशन लग रहा है कि फेज एंट्री लेने के लिए। अभी हम लोग थोड़ा बहुत आने वाले दिनों में 4-5 पॉइंट के 10 पॉइंट यहाँ पे या से हम लोगों को नीचे दिखाई पड़ सकता है, थोड़ा बहुत गिरावट। लेकिन ये शेयर अल्टीमेटली अगर आप लोगों का नजरिया आपका 2 महीने का है तो ये शेयर आपको आप लोगों को प्रॉफिट ही देगा। कितना प्रॉफिट देगा लास्ट महीने बता दूंगा, पहले एक बार इसका क्या करूंगा मंथली जो आपका मंथली चार्ट भी एक बार एनालिसिस कर लूंगा। ओके, तो अभी देखिए मैंने इसका मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो इस जगह पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था। जब बाय सिग्नल कब दिया था आपका लास्ट ईयर मतलब 2020 अगस्त का महीने में यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था, और तब से ये शेयर कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ भाग रहा है। लेकिन इस बीच में मतलब पिछले 4 महीने में थोड़ा बहुत गिरावट हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन अच्छा बात है कि इस शेयर कभी भी इसका जो सुपर ट्रेंड का जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ के नीचे जा नहीं सका। और इस महीने में देखिए एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, और इस महीने में जो कैंडल फॉर्म किया ये आपका जो लास्ट जो हाई था उसका जो क्लोजिंग था उसको भी आपका उसके ऊपर ही अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। RSI की बात करें तो RSI आपका यहाँ पे देखिए अबव 60, और MACD की बात करें तो MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, और लास्ट जो कैंडल है यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल बुलिश कैंडल ही दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 147-148 का, इसी भी प्राइस में अगर हम लोग खरीदेंगे तो मुझे जो लगता है कि 2 महीने के अंदर ASI मिनिमम 180 का जो टारगेट वो अचीव कर ही लेगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।